एग्जीबिशन द्वारा किया जा रहा है उनके खिलाफ आज हमने ज्ञापन दिया है। शहर में आवारा पशुओं की भरमार और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके नाजायज गलत एफिडेविट देके लोगों के पट्टे बनाए जा रहे हैं, इसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। और शहर में आवारा पशुओं और कभी बंदरों का मामला हुआ, इसके बाद कुत्तों का हुआ, कुत्तों के द्वारा भी बच्चों को काटा जाता है, इसके बारे में हमने नगर परिषद से इनको सभापति महोदय को बहुत सी बार निवेदन किया लेकिन इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आयुक्त महोदय को इसलिए ज्ञापन दिया हमने। और टेंडरों में टेंडर लगाने के लिए शहर का विकास हो, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। शहर में जो अवैध कॉम्प्लेक्स जो हमारे इस बोर्ड के बाद कितने अवैध कॉम्प्लेक्स बने हैं, या तो वो खुद चले या फिर मैं चलता, आप सब साथ चल के देख ले, मौका देख लो और उसको देख उनको दिखा सकते हैं आप। तो इनके खिलाफ तो आपको खुद को ज्ञान हो जाएगा वो कितनी अव्यवस्था या कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है यहाँ। नगर परिषद के खिलाफ हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र जी पारी के नेतृत्व में हमने प्रदर्शन किया। सर्वप्रथम हमने नगर परिषद सर्कल के ऊपर मानव श्रृंखला बना करके नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। फिर नगर परिषद में घुसने के बाद नगर परिषद के मुख्य द्वार को बंद कर दिया क्योंकि यहाँ पे आम जन का किसी का कार्य होता नहीं है, तो ऐसे दरवाजे को खुले रखने का कोई महत्व नहीं है। इसके लिए सांकेतिक रूप से हमने मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और नगर परिषद के कमिश्नर साहब के गेट के बाहर हमने जमकर नारेबाजी करी और उससे प्रभाव के अंदर आयुक्त महोदय को बाहर आना पड़ा। और हमने कहा हम सभी इतनी तादाद के अंदर कमरे के अंदर माएंगे नहीं, सभी की बात आपको सुननी पड़ेगी, इसलिए आयुक्त महोदय बाहर आए। जमीन पे बैठकर धरती माँ को प्रणाम करते हुए हमने हर जमीन को साक्षी मानते हुए हर बात कमिश्नर साहब के सामने रखी। हमारा मुख्य मुद्दा है शहर की व्यवस्थाएं सुधारने का, शहर के अंदर आम जन को राहत पहुँचाने का और भीलवाड़ा के अंदर जो दिन प्रतिदिन अवैध पट्टे बनते जा रहे हैं उसको रोकने का। हाल ही परिषद के अंदर एक मामला खुलासा सामने आया है कि जो खाली भूखंड है उसके ऊपर बने हुए आवास के रूप में नगर परिषद के अंदर 3106 और 3107 के नाम से फाइल लगाई और फाइल का चमत्कार आप देखो, मार्च महीने में फाइल लगी और उसके अंदर बना हुआ मकान बताते हुए जयन की रिपोर्ट हो गई, बाबू की रिपोर्ट हो गई, एटीपी के साइन हो गए। इतना भ्रष्टाचार भी कहीं संभव हो सकता है? माना कोई कर्मचारी गलती कर सकता है लेकिन जो आदमी जिसने अपने आप को बना हुआ मकान बता करके अपना आवेदक ने दिया है, फर्जी एफिडेविट दिए हैं, फर्जी गवाह लगे हैं, उनके ऊपर तो कम से कम परिषद आयुक्त महोदय को जांच करनी चाहिए। जांच रिपोर्ट आए हुए 3 तारीख को आ गई लेकिन आज दिन तो कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन सभी बातों को लेकर के हमने आज प्रदर्शन किया है। अशोक गहलोत की जन कल्याणकारी योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, आम जन को पट्टे दिलाए जाए, इस बात के बात को लेकर के हम यह नगर परिषद के अंदर उपस्थित हुए हैं। क्या नाम है? आज जनप्रतिनिधि और पार्षद और कुछ शहरवासियों की कुछ मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया है और 17-18 मांगे हैं जिसमें अलग अलग टाइप की मांगे हैं। कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो 6 साल से 4 साल से 2 साल से चल रहे हैं, उनका निस्तारण नहीं हुआ है, तो हम उन मांगों पर अलग से अभी स्टाफ की मीटिंग करके प्रत्येक मांग पर बेहतर करके उनको सबका समाधान करने की कोशिश करेंगे। सर, एक नरेश जाट वाला बिंदु था इसमें, उसमें आपके पास जांच भी करा ली गई और आपके पास रिपोर्ट भी आ गई, उस मामले में आगे क्या आपने एक्शन लिया उसमें? सर, अभी जांच एक्शन लेने के लिए जांच करवाई थी, जांच रिपोर्ट आ गई, आज मैंने जांच रिपोर्ट पूरी पढ़ ली है सर। अब हम लीगल ओपिनियन लेकर के आगे जो भी कानूनी कार्रवाई होगी हम एक दो दिन